दोस्तों, मेरी वीडियो ITI और CB2 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये A to Z चैप्टर वाइज रहेगा ये। हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल यादव जी टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइंस के बारे में। इससे पहले हमने देखा कि पेंसिल्स कितने प्रकार की होती हैं, जो ड्राइंग शीट होता है वो कितने प्रकार का होता है, और ड्राइंग बोर्ड के बारे में भी देखा था। उसके बाद से हम इस लाइंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लाइंस होती क्या है और किसका यूज कहाँ होता है और इसकी मोटाई कितनी होती है। ठीक, कोई भी प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम उसके ऊपर कोई रेखा मारें जिससे हम उसका एक काल्पनिक प्रतिबिंब बना सके, जिससे हमें ये पता चले कि कितने पे क्या है। एक काल्पनिक इमेजिनेशन है जिससे हम किसी चीज को समझने बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं जो उसमें यूज होने वाली लाइंस है। जो लाइन है उसके 3 प्रकार होते हैं, मोटाई के हिसाब से 3 प्रकार में होते हैं। ठीक, थिन, मीडियम। जो थिक लाइन होती है इसकी मोटाई होती है 0.5 mm, थिन है जो 0.2 mm, और जो मीडियम है 0.3 mm। ठीक, ये इसकी मोटाई mm में होती है। अगर ये पूछे लाइन कितने प्रकार की होती है तो थिक, थिन, मीडियम, अगर पूछे मिलीमीटर में मोटाई थिक की कितनी हो तो इतनी, थिन की कितनी 0.02 और 0.2, मीडियम की 0.3। जो ये थिकनेस की रेंज होती है वो 0.182 2.0 तक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए इसके बीच में, ये जो इसकी रेंज होती है 8 प्रकार की होती है मिलीमीटर में, ये 8 प्रकार की होती है। अगर ये पूछे आपसे BIS, ये सॉरी IS के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसके हिसाब से अगर पूछे आपसे कि लाइन की मोटाई की जो रेंज होती है वो कितने कितने तक होती है, तो कितने प्रकार की होती है रेंज, तो 8 प्रकार की। कहाँ से कहाँ तक होती है, 0.182 2.0। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है, प्रशिक्षण के लिए जो लाइनें या कंस्ट्रक्शन है जो भी करते हैं तो लाइन की मोटाई कितनी होती है, प्रशिक्षण के लिए होती है 0.5 mm। ठीक, वो हम यानी थिक लाइन की यूज करते हैं। अब हम देखें यहाँ पे थिक लाइन 0.05, थिन 0.02, मीडियम होती है जो 0.3 की होती है, 0.5, 0.2, 0.3, ये तो हो गया ये मोटाई। उसके बाद से अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है। ये लाइन टोटल 9 प्रकार की होती है, किसी किसी में 10 भी दिया होगा, पर जो अधिकतर जो यूज होता है वो सिर्फ 8 ही जो लाइन है यही यूज होती है, जो स्टार्टिंग से यार्ड जो यह मेन लाइन होती है। उसके बाद से हम एक 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 करके लाइन को देखेंगे कि उसकी थिकनेस कितनी होती है और उसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट या आउटलाइन क्या होती है। ऑब्जेक्ट लाइन ये बाहर की लाइन जो होती है, ये कोई प्रोजेक्शन अगर हम बनाते हैं जो उसका बॉर्डर होता है, इसको ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन बोलते हैं। ये जो है ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन, ये जो है ऑब्जेक्ट या आउटलाइन, ये आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु या जो भी होता है उसकी आउटलाइन जो है बाहर बाहर की, वो पहली रेखा ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन, उसका यूज हमने देखा। अब बात आती है कि इसकी जो लाइन रहती है वो किस टाइप्स की होती है, उसकी मोटाई कितनी होती है। तो जो
उसकी मोटाई होती है वो 0.5 होती है। अगर 0.5 है तो वो कौन सी हुई? थिक। 0.5 यानी थिक, यानी इस लाइन की मोटाई जो होगी वो 0.5 होगी और ये जो लाइन होगी वो थिक लाइन होगी, मोटी लाइन होगी। थिन पतली मीडियम यानी ना पतली है ना मोटी है, बीच की जो लाइन होती है। उसके बाद से जो सेकंड लाइन आती है, अगर ये आपसे ये पूछा जाए कि अगर ऑप्शन दे आपको कि ऑब्जेक्ट लाइन या आउट लाइन थिक होती है, थिन होती है या मीडियम होती है या कुछ और ऑप्शन एक दे दे या इनमें से कोई नहीं होती, ये सभी होती है, तो आप इसको थिक चूज कीजिएगा। उसके बाद से दूसरा इसमें है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि आपने एक आउटलाइन मार दिया और आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। उसके अंदर कुछ जो अदर्स पार्ट्स हैं उसको दिखाने के लिए, ये जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई चीज मेंशन कर रहा हूं दिखाने के लिए, पतली एक लाइन लगाता हूं, ये होती है कंस्ट्रक्शन लाइन। यानी कि उसके बीच के दूसरे हिस्सों को दिखाने के लिए जो सामने से दिखते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन से दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब यानी आउटलाइन के बाद अंदर जो कुछ भी बनता हो, जो ना डॉटेड हो ना सेंटर लाइन हो, जो एक फुली वस्तु जो हमें या कट हो या कुछ भी हो जो हमें पूरी दिखती हो उसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन से दिखाएंगे। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये लाइन आउटलाइन से यहाँ भी मिलनी चाहिए और यहाँ भी मिलनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ से खींचा और ये कर दिया ठीक, या इधर से मिला दिया इधर छोड़ दिया, तो ये गलत मानी जाएगी। हमेशा ये लाइन दोनों साइड मैच करती है ठीक, ये दोनों साइड मैच करती है और ये पतली होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 0.2, तो ये क्या है? थिन। 0.2 यानी थिन ठीक। अब आपने देख लिया कि ऑब्जेक्ट लाइन बार बार की कंस्ट्रक्शन लाइन जो बीच में लाइन लगती हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन रहती हैं, वो डॉटेड नहीं होती ना ही सेंटर लाइन होती है ठीक। अब इसके बाद से बात करते हैं हम हेडर लाइन की, तो पहले जान लेते हैं कि हेडर लाइन क्यों यूज करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हेडर लाइन या एडिटो लाइन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो अगर कोई चीज जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, एक हाथ है, इस हाथ को मैं इसके ऊपर कर देता हूं इस टाइप का, तो आपको ये जो है वो नहीं दिख रहा होगा कि कहाँ है या कितने पे है। इसको दिखाने के लिए जो चीज सामने से नहीं दिखती उसको हम हिडन बोलते हैं। हिडन का मतलब क्या? छुपा हुआ, जो सामने से नहीं दिख रहा हो, तो उस चीज को दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो हिडन लाइन जो होता है वो कैसे होता है ये देखिए। इस टाइप का हेडर लाइन होता है वो समान दूरी पे होता है और एक जैसा होता है। इसका मतलब कि कोई चीज छुपी हुई है जो हमें इस ऑब्जेक्ट के पीछे छुपी हुई है जो हमें नहीं दिख रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे? ये डेटो लाइन या हेडर लाइन का यूज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि हेडर लाइन में जो डैश रहता है ये जो है इसको बोलते हैं डैश, ये जो है बीच में ये होता है गैप, ये गैप और ये डैश। अगर आपसे पूछे कि डैश की लंबाई कितनी होती है, तो डैश की लंबाई, ये जो डैश है इसकी लंबाई 3 mm होती है, जो गैप है वो 1 mm होता है ठीक। और जो ये लाइन रहती है डेटो लाइन या हेडर लाइन वो हमेशा क्या होती है? मीडियम। तो इसकी थिकनेस कितनी होगी? 0.3 mm। इस लाइन की जो मोटाई होगी वो 0.3 mm होगी ठीक, और जो इसका गैप होगा वो 1 mm का होगा और जो इसका डैश होगा वो 3 mm का होगा ठीक। इसको याद रखिएगा। उसके बाद से हम आते हैं बात करते हैं डायमेंशनिंग लाइन और एक्सटेंशन लाइन क्या होती है। डायमेंशनिंग लाइन
जो होती है उसका प्रयोग हम इसका साइज मेंशन करने के लिए करते हैं, किसकी लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक, तो कैसे करते हैं, एक ही स्टाइप की रेखा लेंगे, सीधी लाइन, इसको ऐसे खींचेंगे। ठीक, ये जो लाइन है सीधी दोनों साइड, ये होती है एक्सटेंशन लाइन। ठीक, बीच की जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये होती है एक्सटेंशन लाइन। ये जो बीच की है इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। डायमेंशन का मतलब विमांकन, यानी वो रीडिंग जितने में इसको बनाना है, लंबाई चौड़ाई मोटाई जो भी होगा वो हम इसमें दर्शाएंगे। मान लीजिए कि इसकी लंबाई 100 मिलीमीटर है, तो ये 100 इसका क्या हो गया, डायमेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि इसका एक बॉर्डर लाइन होता है जहां पे ये जाके मैच करता है, जो ये मेंशन करता है कि इसकी लंबाई यहां पे खत्म है, इसको बोलते हैं एरो हेड। ये जो बनाया है ये है एरो हेड, ये तीर के निशान जैसा होता है, इसका अलग अलग वो होगा, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये आपने जाना एक्सटेंशन लाइन, ये होती है डायमेंशन लाइन, जिसपे हम डायमेंशन मेंशन करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है ये हम मेंशन करते हैं, इसको बोलते हैं हम डायमेंशनिंग लाइन। ठीक, एक्सटेंशन लाइन डायमेंशनिंग लाइन, ये दोनों क्लियर हो गया होगा। इसकी जो मोटाई रहती है वो थीन रहती है, इस लाइन की जो मोटाई है वो थीन है इसकी चाहे इसकी, तो ये होती है थीन, थीन यानी 0.2। ठीक, उसके बाद आता है शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक में क्या होता है, किसी वस्तु को, छोटी वस्तु को शॉर्ट ब्रेक करके हम उसके साइज को देखते हैं या उसके फिगर को रीड करते हैं। अब जैसे कि एक मान लीजिए ये कोई चीज है, इसको हमें शॉर्ट ब्रेक करना है, छोटी वस्तु है इसको हमें शॉर्ट ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी शॉर्ट ब्रेक, अगर इस टाइप का लाइन है सर्पिला का तो ये होता है शॉर्ट ब्रेक। ठीक, शॉर्ट ब्रेक का मतलब ये होता है किसी वस्तु को, छोटी वस्तु को ब्रेक करके हम देख रहे हैं उसके बारे में, उसका डिटेल या उसको उसका फिगर शॉर्ट ब्रेक करके मेंशन करते हैं। ये जो होता है वो थीन लाइन होती है, जो शॉर्ट ब्रेक होती है। और एक क्वेश्चन आता है इसमें, जो शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है वो किस टाइप्स की होती है, यानी किसी स्केल्स के माध्यम से बनता है या कैसे बनता है, तो आप फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड का यूज कीजिएगा, यानी इसका कहना, मेरा कहने का मतलब कि फ्री हैंड से इसको बनाते हैं, इसके लिए किसी स्केल की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है लॉन्ग ब्रेक। लॉन्ग ब्रेक भी ऐसे ही होते हैं, पर वो लंबी चीजों को ब्रेक करके दिखाने के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग ब्रेक कैसे होता है, जी आई लाइन हमारी, इस टाइप्स की ये देख सकते हैं, ये होती है लॉन्ग ब्रेक। सेम, किसी बड़ी चीज को जो हमारे ड्रॉइंग शीट से ज्यादा रेंज की होती है तो उसको हम क्या करते हैं, लॉन्ग ब्रेक कर देते हैं, यानी बड़े चीज को छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे हमें समझ में आ गया कि कोई बड़ी वस्तु है या कोई बड़ा प्रोजेक्शन है, उसको हमने ब्रेक किया है। तो ये कौन सा ब्रेक है, ये लॉन्ग ब्रेक। इससे पहले जो हमने बताया वो शॉर्ट ब्रेक था, वो फ्री हैंड बनाया जाता है। इसमें जो है ये लॉन्ग ब्रेक में भी पूछता है कि इसकी लाइन कैसी होती है, तो लॉन्ग ब्रेक की 0.02 यानी थीन। ठीक, ये हो गया लॉन्ग ब्रेक। उसके बाद आता है सेंटर लाइन। दोस्तों ये मोस्टली यूज होने वाला लाइन होता है, दो तीन लाइन होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन हिडन डायमेंशन और कटिंग प्लेन, ये सब, और सेंटर लाइन।
जो अब हम सेंटर लाइन की बात करते हैं तो सेंटर लाइन भी एक थिन लाइन होती है, थिन लाइन होती है और जिसका साइज क्या होगा, थिन है तो 0.2 mm, ठीक 0.5, और जो मीडियम है 0.3। आप बात करते हैं हम सेंटर लाइन, तो दोस्तों सेंटर लाइन किस लिए यूज होता है, तो सेंटर लाइन किसी भी चीज को दो भागों में बांटने के लिए सेंटर लाइन का यूज करते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में हो। अब देखते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारा सेंटर है, एक सेंटर किसका, ये हॉरिजॉन्टल का, एक सेंटर वर्टिकल का। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, जो सेंटर लाइन है हमारी, एक छोटी फिर बड़ी फिर डैश, इस टाइप्स का ये जो होता है हमारा, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन, ये भी सेंटर लाइन है। इसने क्या किया है, ये जो वर्टिकल लाइन है वो लंबाई को दो भागों में बांट रही है, जबकि ये जो वर्टिकल लाइन, ओ ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये इस ऊंचाई को दो भागों में बांट रही है, इसलिए इसको हम सेंटर लाइन बोलते हैं। किसी भी प्रोजेक्शन को या वस्तु को दो भागों में बांटने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेंटर लाइन। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो बीच में है, ये हमेशा इस टाइप का प्लस में होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, जितना ये लाइन इधर हो उतना ही उधर हो, जितना इधर उतना ही उधर हो, यानी एक बराबर हो, चाहे ऐसे हो या वैसे, प्लस होगा और सेम ऐसा ही होगा। अगर प्लस नहीं भी होगा, अगर ये दोनों में डिवाइड करते हैं तब प्लस होता है, अगर सिर्फ चौड़ाई में हम करें, इस चौड़ाई को करें, तो ये हमारा इस टाइप का होगा। अब इसके पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या है, पहला कि सेंटर लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर लाइन होती क्या है और इसकी डायमेंशनिंग बताते हैं। ये अगर पूछता है तो कई बार ये 15 mm होता है, पर 15 से 25 तक ये होता है, उसके बाद से जो गैप है जो 2 का और जो डैश है वो 3 का, छोटी डैश, ये जो गैप है वो 2 mm का, ये जो डैश है ये 3 mm का होता है। इसमें देख लीजिए, सेम यहां भी है, ये जो गैप, ये पूरे उसमें जो गैप रहता है, गैप 2 mm का, छोटा डैश, ये जो इस टाइप का है इसको डैश बोलते हैं, चाहे ये भी डैश है, ये भी डैश है, जो बीच में ये गैप है उसको गैप बोलते हैं। तो ये 2, ये जो है ये 3, और ये बड़ी 15, 15 से 25 तक होती है, ठीक। ये होता है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का मैंने मतलब भी बता दिया क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, ये हमारी सेंटर लाइन। और सेंटर लाइन जो होती है ये भी थिन होती है और इसका साइज 0.2 होता है, ठीक। अब इसके बाद जो आखिरी लाइन है वो कटिंग प्लेन है। सेंटर लाइन तक तो हमने बताया आपको, अब इसको हम मिटो देते हैं। जो कटिंग प्लेन लाइन होती है वो किस टाइप की होती है, ये गाढ़ी रहेगी, उसके बाद से कटिंग प्लेन लाइन, यहां देख सकते हैं ये गाढ़ी, छोटी, लंबे डैश, छोटे डैश, लंबे डैश, छोटे डैश, सेम सेंटर लाइन की तरह होगी, पर इसमें अंतर सिर्फ इतना होगा कि ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ही में हो, ये कहीं से भी काट सकता है, ये ऐसे कटिंग प्लेन लाइन का मतलब कि ये किसी पार्ट्स को काट के दिखाता है, पर ये जरूरी नहीं है कि उस सेंटर ही से काटे। कटिंग प्लेन लाइन के जो सिंबल्स हैं ये गाढ़ी रहती हैं, शुरू और लास्ट की जो डैश है वो दोनों गाढ़ी रहती हैं, इस साइड का भी और इस साइड का भी, बीच का सेम सेंटर लाइन की तरह होता है, इसका गैप भी ये 2 डैश 3 का और ये 15 का रहेगा।
या 15 से 25 तक यूज कर सकते हैं, होता भी है, पर इसका जो मेन जो वो रहता है सिंबल्स वो इस टाइप का रहेगा, एक तीर बना होगा यहां पे, जैसे ए ए लिख दे, ए ए या एक्स वाई कुछ भी लिख दे, पर ये एरो हेड अगर लगा है तो इसका मतलब ये कटिंग प्लान है, और इसका मतलब ये होता है कि इसने इस पार्ट्स को यहां से काट के और पलटा के दिखा रहा है इसका। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये मेरा हैंड है, तो इसको मैं बीच से अगर ये लाइन लगा देता हूँ, ये वाली कटिंग प्लेन लाइन, तो अब क्या होगा, ऐसे पड़ी हुई, अगर मैं काट के इसको पलटाता हूँ तो क्या हमें ये सिर्फ मोटाई नजर आएगी। वही चीज मोटाई इसमें हम देखेंगे कटिंग प्लेन में, किसकी मोटाई क्या है, उसका मोटाई में शेप कैसा है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है कटिंग प्लेन लाइन, ये मीडियम होती है, इसका यूज हम इसलिए इसमें मीडियम होते हैं क्योंकि जो लास्ट का है इसमें मोटा दिखाना पड़ता है, तो इसलिए हमें 0.5 यानी थिक लाइन का यूज करेंगे, ठीक। तो यहां आपने देखा कि ये लाइनें कौन कौन सी है, इसका यूज बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, अपने उस मैकेनिकल में बहुत कम यूज होता है। ये जो 8 लाइनें हैं वो मैंने इस फिगर में आपको बताया कि किसका यूज कहाँ है, किसकी मोटाई कितनी होती है, ठीक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब छोटे उसमें मैं आपको बता दूं कि थिक और थिन और मीडियम लाइनें कौन कौन सी, आपको याद करने के लिए, जो ऑब्जेक्ट या आउटलाइन, ठीक। उसके बाद आते हैं हिडन लाइन, हिडन लाइन या डिटो लाइन। उसके बाद आती है कटिंग प्लेन, ये जो होती है ऑब्जेक्ट लाइन 5 की होती है, सिर्फ यही दो, ठीक। कौन से, कटिंग प्लेन और डिटो या हिडन, ये जो दो होती हैं ये 0.3 की होती है। ऑब्जेक्ट लाइन, हिडन और कटिंग, ऑब्जेक्ट लाइन तो 5 की हो गई, ये थिक हो गई। उसके बाद जो मीडियम और जो कटिंग प्लेन है, मीडियम लाइन और सॉरी हिडन लाइन और कटिंग लाइन, ये 0.3 की हो गई, ये क्या हो गई, मीडियम। बाकी जो बचा आपका थिन, ठीक। तो इजीली आप याद कर सकते हैं, सिर्फ ये थिन का याद रखिए, बाकी आपकी थिन में आएगी, और थिन का क्या 0.2, मीडियम का 0.3 और थिक का 0.5, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखा आपने, अब इसको मैं साफ कर देता हूं, अब हम बात कर रहे थे एक्सटेंशन लाइन की। एक्सटेंशन लाइन होता क्या है, कोई भी साइज, चाहे लंबाई में हो या चौड़ाई में हो या मोटाई में हो या बीच में हो, उसको हम एक्सटेंशन लाइन से दिखाते कैसे, जैसे ये लाइन है इसके समांतर ये लाइन, और ये लाइन है इसके समांतर ये खींचे, ये अपने डायमेंशन लाइन हो गई, ये डायमेंशन लाइन या एक्सटेंशन लाइन। ये बनाते समय आप ध्यान रखें कि इसकी और इसकी मोटाई सेम हो, और इस ऑब्जेक्ट लाइन से इस डायमेंशन लाइन की जो डिस्टेंस होती है मिनिमम 8 mm होती है। 8 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 8 इसके ऊपर हम ऐसे लिखेंगे, यहां लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट लाइन से
ये जो लाइन डायमेंशन लाइन इसकी दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये 8 मिनिमम होनी चाहिए, इससे ऊपर आप 10 भी कर सकते हो, मोस्टली 10 पे बनता है। अब ये एरोहेड आता है कि एरोहेड की लंबाई कितनी होती है, तो एरोहेड की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुना होती है। ये क्वेश्चन आएगा आपको कि जो एरोहेड की लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी होती है या मोटाई से कितनी होती है, तो जो एरोहेड की मोटाई है वो लंबाई है जो चौड़ाई से या मोटाई से 3 गुना होगी। अब कैसे, ये इसकी मोटाई होगी और ये इसकी लंबाई होगी, तो लगभग ये 2 मिलीमीटर का रहता है, ये जो होगा वो मोस्टली 5 का रहेगा, तो लमसम 3 गुना ये रहता है। ठीक, आप 6 का भी कर सकते हैं, अगर ये 2 का होगा तो ये 6 होगा, ठीक, अगर ये 1.5 का होगा तो आप 4.5 का कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो डायमेंशनिंग लाइन मैं बताया कि जो आउटलाइन से मिनिमम 8 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसकी जो एक्सटेंशन लाइन की जो लंबाई रहती है ये 8 से 10 होती है, लगभग 10 होती है, 8 से 10 एमएम होता ही है, 8 to 10। उसके बाद से इसमें एक्सटेंशन लाइन, ये जो एरोहेड का पूछता है कि एरोहेड का एंगल कितने से कितने तक का होता है, एरोहेड ये जो तीर का निशान बना है इसको हम एरोहेड बोलते हैं, ये और भी 2-3 टाइप्स के बनते हैं, एक टाइप्स ये भी है, जिसमें ये कुछ भारा नहीं है, सिर्फ ये हेड टाइप के बने रहते हैं, तो इसका एंगल जो रहता है ये वाला, पंद्रह डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, 45 इधर 45 इधर, तो ये 90 का एंगल बनाएगा। उसके बाद से ये 15 से 90 के बीच में आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, एक ये होता है, जो तीसरा होता है वो एक इस टाइप्स का भी होता है, ये इस टाइप्स का होता है, ये क्रॉस में लगा रहेगा, जैसे मैंने मान लीजिए ये आपको बताया ये इस टाइप्स का, तो ये इस टाइप का भी एरोहेड होता है, जिस पर भी डायमेंशन जैसे 100, 100, 100, तो इसका एंगल 15 से 90 किसी का भी, सिर्फ एरोहेड का वो पूछे आपसे एंगल, तो एरोहेड का एंगल 15 से 90 डिग्री तक होता है। ये 3 टाइप्स मैंने बताए कि कैसे कैसे एरोहेड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद से आता है, ये सारी चीजें आपने देख लिया इसमें कि ऑब्जेक्ट लाइन क्या है, आउटलाइन, एक्सटेंशन, डायमेंशन और डिटो लाइन क्या होती है, सेंटर लाइन क्या होती है, एरोहेड के बारे में भी मैंने बताया, पर इसमें कई बार इस टाइप्स का पूछेगा आपको, एंगुलर पूछता है, अगर जैसे मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा बन गया दोस्तों, अगर यहां पे दे 100 और ये इस टाइप का दे, तो इसका मतलब क्या होता है, आपसे पूछेगा कि ये जो ऊपर है इसका मतलब क्या है, तो ये चाप का साइन है जो हमें ये बताता है कि ये जो सेंटर लाइन से है, सेंटर लाइन से 100 डिग्री पे ये फैला है, तो 50 इधर होगा और 50 इधर होगा। ठीक, तो जो इसकी डायमेंशन है
हम 50 डिग्री, 50 डिग्री इसको एंगुलर डायमेंशन भी बोलते हैं, एंगुलर या अलाइंज्ड, अलाइंज्ड डायमेंशन भी बोलते हैं। एंगुलर डायमेंशन इस टाइप्स का होगा, वो आपको अगर 100 के ऊपर ये ऐसा बनाता है, तो यानी ये चाप है 100 का, तो सेंटर लाइन से 50 इधर 50 इधर, तो ये हमारा 100 डिग्री का बनेगा। इसी में अगर आपसे ये बोला जाए, मान लीजिए ये हमारा ड्राइंग है, इसके बाद यहां पे बोलता है अगर आपसे बोले अगर आपको ये लिखा है 4 × 10, ऐसा लिखा आएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा इसमें 4 × 10 का मतलब क्या होता है, तो आपको ये दर्शाएगा यहाँ पे ऐसा बना होगा, और ये क्या करेगा कि यहाँ पे एरो देके इस टाइप्स का लिख देगा, ये 4 × 10। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो चार होल हैं वो डाया 10 mm व्यास के चार होल लगने हैं, ये समान डिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है। ठीक, समझ में आई? उसके बाद से अगर आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए ये कोई होल है, इसके बारे में देखो डाया 10 × 40, तो इसका मतलब क्या है? डाया 10 × 40, तो इसका मतलब ये है कि 10 mm डाये का होल लगना है, व्यास का होल लगना है, जिसकी गहराई कितनी होगी? 40 mm। ठीक, समझ में आया? अगर वो बोले 4 डाया 10, फिर बोले डाया 10 × 40, ठीक है, अगर बोले यू सी 4 × 3, इसका मतलब क्या है? मैं एक एक करके बता दूं आपको। डब्ल्यू सी रहता है कहीं, यू सी भी रहता है, आप यू सी देखिए, इसका मतलब होता है 4 × डाया 10। डाया 10 का मतलब होता है कि ये डाया व्यास और 10, 10 mm व्यास का चार होल लगना है, जो मैंने अभी इस पे फिगर पे बताया। उसके बाद से अगर ये देता है डाया 10 × 40, तो डाया 10 डाये का 10 व्यास का 40 mm गहरा होल आपको लगाना है। उसके बाद होता है यूसी, कहीं कहीं डब्ल्यू सी भी आता है, तो यूसी यानी देखता है 4 × 3, तो 4 का मतलब कि उसकी जो चौड़ाई होगी ये अंडर कट। अंडर कट क्या होता है? जैसे कोई चीज है इसके अंदर, तो ये हो गया अंडर कट, ये पूरे पूरी मोटाई पे रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम अंडर कट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 4 है, 4 इसकी चौड़ाई होगी, जो 3 mm है ये इसकी गहराई हो गई, समझे? और इसका मतलब ये है कि कोई होल है जिसका डाया
10 mm है, और उसकी गहराई जो है, गहराई जो है वो 40 मीटर और मिलीमीटर। ठीक, इसका मतलब है कि ये जो चार होल हैं, चार होल हैं, 1 2 3 4, जिनका डाया 10 mm है। यानी अलग अलग डायमेंशन देने की बजाय एक ही जगह डायमेंशन दे दिया जाता है। ठीक, ये अगर आपको आए इस टाइप का तो आप बोलिएगा 10 का व्यास है और 40 गहराई है। अगर ऐसे बोले तो 4 की विड्थ है और 3 डेप्थ है उसके। ठीक, ये पूछे तो 4 होल 10 डाए गए। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं कि जो डायमेंशन हम देते हैं वो कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे डायमेंशन हम दे सकते हैं। क्या होता है, एक डायमेंशन तो ये हो गया, वो तो मैंने अभी होल का बताया। एक डायमेंशन ये है, अगर मैं आपको बोलूं यहां से है, यहां से कुछ और है, और यहां से आपको डायमेंशन देनी है, इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है, आपको दे देगा फिगर इस टाइप का, एक देगा इस टाइप का, देगा एक और आप मान लीजिए, तो इसमें पूछेगा आप सही एरोहेड कौन सा है, आप सिलेक्ट कीजिए। तो अगर ये एक्सटेंशन लाइन के बाहर जा रही हो, ठीक, तो इसको ये गलत, अगर एक्सटेंशन लाइन को ये टच नहीं कर रही तो ये भी गलत। तीसरा, ना ये पार करे और ना ही पीछे रहे तो ये सही है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार फिगर देगा आपको, उसमें से छांटना रहेगा, वो बोलेगा कि इसमें सही एरोहेड कौन सा है, तो आप इसको चूज कीजिएगा जो ना ही पीछे रहे और ना ही एक्सटेंशन लाइन को पार करे, सिर्फ टच हो उससे, जिस टाइप का ये। ठीक, अब क्या होता है इसमें, ये जो हमारा डायमेंशनिंग लाइन है, जिसका टाइप्स जो है, अगर मैं बोलूं यहां से 10 है, ये 15 है, ये 20 है, तो इसका मतलब इसकी टोटल लंबाई जो है 10 15 25 और 20 45, यानी ये टोटल जो है 45। सेम ऐसे ही अगर मैं इसमें ऐसे लाइन मार दूं और ये बोलूं कि ये 10 20 30 इस टाइप का है, ये मैं ऐसे एरोहेड बना रहा हूं दोस्तों, आपको बनाना नहीं है, जैसे मैं ये बना बताया वैसे आपको बनाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10 20 30, यानी 30 30 60, टोटल लेंथ इसकी कितनी है 60, इसकी कितनी थी 45। तो अगर ऐसे टाइप का दे तो इसको बोलेंगे हम चैन डायमेंशन, इस यानी एक चैन में है ये। ठीक, 10 15 20 ये एक चैन में है, छोटे छोटे टुकड़ों में है। अगर हम इसको इस टाइप का कर देते हैं साथ में, कभी भी ये डबल डायमेंशन नहीं दिखाया जाता है एक ही चीज के लिए,
तो इसके साथ में अगर ये ऐसे दे देता है 45, इधर दे देता है 60, 60 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा और ये इसके ऊपर, हमेशा जो ये डायमेंशन है डायमेंशन लाइन के ऊपर ही रहता है, अगर आप नीचे लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो रीडिंग है वो हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है, और भी ऑप्शन दे दे, तो आप हमेशा ऊपर वाले को चूज कीजिएगा। ठीक, अगर ये सिर्फ इतना ही देता है, ये 10, 15, 20, 10, 15, 20, तो ये होता है चेन डायमेंशनिंग। अगर ये साथ में ये फुल लेंथ भी दे तो उसको बोलेंगे हैं कंबाइंड चेन डायमेंशनिंग। ठीक, इस टाइप्स का रहता है, मुलर का मैंने बताया। अगर इस टाइप्स का दे, ठीक, और ये दे दे 4 × 45 डिग्री, यानी इसका मतलब ये होगा कि एक चार भाग है, एक और बनेगा दोस्तों, जो चार भाग है वो 45 45 डिग्री पे, ये मैंने भी आपको बताया। एक थ्रेडिंग का बता देता हूं, थ्रेडिंग में क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्ट्स है, उसके ऊपर थ्रेड कटी होती है। ठीक, ये जो बाहर बाहर होता है ये होता है मेजर डाय, जो अंदर अंदर का साइज होता है ये यहां से यहां तक का, ये होता है माइनर डाय, माइनर डाय। अब वो यहां पे लिखेगा, जब भी लिखेगा ये बाहर बाहर का साइज, तो ये लिखेगा M20, M30, M10, इस टाइप का रहेगा। जो थ्रेडिंग जिसमें रहेगी वो हमेशा M में रहता है। ठीक है, मोस्टली दोस्तों हमने इसमें प्रोजेक्शन में यूज होने वाले लेंस के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है और उसके बारे में बताया भी है कि किसका कितना साइज होता है, यूज कहाँ पे है। डाई का बताया मैंने, होल्स के बारे में कि होल का क्या डायमेंशन रहेगा। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से मैंने आपके जो भी हैं डाउट्स उसको क्लियर कर दिया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ और जो कमियाँ हों उसको मैं सुधार सकता हूँ। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।